हमारा चिकन कड़ी बन के रेडी हो गया है। चलो भाई, राइस के साथ, चावल के साथ अभी हम लोग खा रहे हैं। चिकन कड़ी एकदम शानदार बना है। चिकन लेग पीस तो ऐसा चिकन लगता है कि ट्रक से भाई अच्छा ही बना है ना। तो ट्रक से भाई बहुत अच्छा बना है चिकन कड़ी। दोस्तों देख सकते हैं भाई, हमारा चिकन एकदम बढ़िया भून दिए हैं और खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है एकदम चिकन का और मसाला का। भाई गजब भी एकदम खुशबू आ रहा है। दोस्तों अभी हम लोग मार्केट से भाई आ गए अपने घर पे और भाई देख सकते हैं आज भाई स्पेशल चिकन कड़ी हमारे ब्लॉग में दिखाने वाला बना के। एंड भाई देख सकते हैं, चिकन ले लिया आधा किलो भाई, इसको बढ़िया धो दिया है मैंने। पोटली है, कलेजी है भाई, लेग पीस है। चलो भाई इसको बनाते हैं। तो हम लोग भाई ट्रक वाले अंदाज से आज चिकन कड़ी को स्पेशल बनाने वाले हैं। कढ़ाई में देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर दोस्तों लहसुन डाल दिया हूं, तो लहसुन भी भाई ये खाया जाएगा बढ़िया। इसको सेक रहा हूँ तेल के अंदर। चलो ये सीख गया है। अब इसके अंदर गाइस डाल देंगे सबसे पहले खड़ा गरम मसाला। तो इसका फौरन हो जाएगा गाइस, तो इससे क्या खुशबू आएगा बढ़िया चिकन कड़ी में हमारे। चलो दोस्तों मैंने ये डाल दिया है। अब गाइस इसके अंदर प्याज डाला जाएगा। तो देख सकते हैं इधर मसाला रेडी है, इसके अंदर बस पानी डालना बाकी है गाइस। हरा मिर्च में हम लोग बनाने वाले हैं, लाल मिर्च का उपयोग करेंगे नहीं चिकन कड़ी में बनाते समय। तो चलो भाई प्याज डाल देते हैं। अब दोस्तों प्याज को भूनेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो थोड़ा अलग अंदाज में गाइस बनेगा, देसी अंदाज में एकदम स्पेशल चिकन कड़ी। एंड गाइस सावन भी कल से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि आज ही बना के खा लेते हैं दोस्तों। फिर घर पे शायद नहीं बनाएंगे, बाहर बनाएंगे, घर पे शायद नहीं बनेगा। मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को बढ़िया भूजा जाएगा कम से कम 8 से 10 मिनट। इसके अंदर दोस्तों हल्का सा नमक डाल देता हूँ। नमक डालने से क्या है कि भाई प्याज हमारा जल्दी से गलेगा और फिर इसके अंदर मसाला डाला जाएगा। भाई नमक भी मैंने डाल दिया है, अब इसको बढ़िया से भूजता हूँ, गल जाएगा जल्दी से हमारा प्याज। तो हमारा प्याज भाई भूजते हुए हो गया 10 मिनट एकदम। देख सकते हैं प्याज का कलर भाई कैसा चेंज हो गया एकदम भूरा भूरा, और भाई खुशबू भी आने लग गया प्याज का हल्का हल्का। अब इसके अंदर गाइस मसाला जो हमारा रेडी था पहले से ये डाल देंगे। देख सकते हैं मसाला के अंदर मैंने पानी डाल दिया हल्का, और यही देसी मसाला है। चलो दोस्तों तो मसाला मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर प्याज हल्का भून दिए हैं। अब मसाला को गाइस हल्का भूजा जाएगा जब तक भाई मसाला के अंदर खुशबू नहीं आ जाता है। दोस्तों मसाले का खुशबू आता है उसके हिसाब से पता चल जाता है कि भाई मसाला हमारा तैयार हो गया है। बर्तन के अंदर चिपकने लग जाएगा, उसके बाद भाई चिकन को डाला जाएगा। तो चिकन तो भाई इधर देख सकते हैं रेडी है एकदम। तो चलो पहले इसको मसालों को बढ़िया भूजते हैं, और भाई पानी भी मिला के रख रखा हूँ बर्तन में डालने के लिए। तो दोस्तों अब इसके अंदर और हल्का सा नमक डाला जाएगा ताकि भाई मसाला है जो उसके अंदर भी हल्का हल्का यानी कि अंदर चला जाएगा नमक। देख सकते हैं भाई हमारा मसाला बढ़िया एकदम मैंने भूज दिया है, और अब भाई चिकन डाला जाएगा इसके अंदर मसाला के अंदर। तो मसाला खुशबू आने लग गया है और बर्तन के अंदर हल्का हल्का मसाला हमारा देख सकते हैं चिपकने भी लग गया है। चलो अब चिकन डाल देते हैं दोस्तों, और चिकन को बढ़िया इसके अंदर भूजा जाएगा। तो आधा चिकन क्या है ऐसे ही सीख जाता है भूजते भूजते, और फिर आधा भाई फिर तरी और आधा सीखता है दोस्तों तरी जब डालते हैं पानी उसके बाद। फिर तो मसाला के अंदर देख सकते हैं चिकन हमारा मिक्स हो गया है, और इसके अंदर गाइस हल्का नमक को डाला जाएगा ताकि हमारा चिकन है जल्दी से सीखे। तो फिर मसाला में और प्याज में मैंने हल्का हल्का नमक डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, तो वैसे हल्का हल्का नमक डालेंगे इसके अंदर हल्का सा नमक। अब चिकन के अंदर गाइस डाल देते हैं। तो दोस्तों नमक मैंने डाल दिया है, फिर जब तरी के लिए पानी डाला जाएगा तब हल्का नमक और डाला जाएगा। तो वैसे एक साथ नहीं 3-4 बार में भी नमक डाला जाता है। हमारा देख सकते हैं चिकन को आधा मैंने भूज दिया है, और देख सकते हैं हल्का हल्का इसी पक रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों अब डाल देंगे हम MDH मसाला, देख सकते हैं। तो MDH मसाला डाला जाएगा। तो क्या मसाला का अभी इसलिए डाल दें MDH वाला ताकि भाई मसाला भी हल्का भूज देंगे। तो दोस्तों मसाला मैंने डाल दिया है, अब चलो इसको मसाले के साथ भूजते हैं। तो MDH मसाला डालते हुए खुशबू जो है अभी से आने लग गया थोड़ा थोड़ा चिकन में, और मसाला ऐसे भूजते समय खुशबू आता ही है दोस्तों। देख सकते हैं मसाला पूरा चिकन मिक्स है एकदम, और बढ़िया खुशबू आ रहा है। हमारा चिकन जो है आदत सीख भी गया है, और 10 मिनट हो गया मेरे को चिकन भूजते हुए। इसको बार बार ढक ढक के भूज रहा हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई हमारा चिकन एकदम बढ़िया भूज दिए हैं, और खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है एकदम चिकन का और मसाला का। भाई गजब भी एकदम खुशबू आ रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर तरी के लिए पानी डाला जाएगा। चलो दोस्तों पानी डाल देते हैं इसके अंदर, और फिर इसको ढक देंगे, और 20 मिनट में हमारा चिकन कड़ी भाई अब बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको बनाने में कम से कम 40 मिनट से ज़्यादा लग गया भाई। चलो पानी डाल देते हैं। हाँ तो दोस्तों हमको तरी ज़्यादा चाहिए नहीं, तो नॉर्मल मैंने पानी डाल दिया है।
और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था दो बार भूजते भूजते। चलो इसको ढक देते हैं दोस्तों, और चिकन कड़ी बन के रेडी हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। उसके बाद फिर भाई चावल के साथ खाया जाएगा। चिकन कड़ी बन गया है, हमारा राइस भी भाई रेडी है, देख सकते हैं। तो भाई एकदम खुशबूदार चावल बनाए हैं। तो इसको भाई चलो चिकन को अब निकाल लेते हैं बर्तन के अंदर से। और यही गाइस चिकन कड़ी और चावल आज का हमारा खाना होगा। दोस्तों खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम लाजवाब खुशबू आ रहा है। तो चलो खा के चेक करेंगे कि भाई कैसा बना कैसा है, आखिर नमक वगैरह ये सब भाई टेस्ट किया जाएगा। तो दो थाली में भाई निकाल लेते हैं। एंड दोस्तों अभी बाहर का मौसम भी एकदम शानदार हो रखा है। तो चलो चिकन कड़ी निकाल लिया गया है थाली के अंदर। हमारा चिकन कड़ी बन के रेडी हो गया है। चलो भाई राइस के साथ चावल के साथ अभी हम लोग खा रहे हैं। तो चिकन कड़ी एकदम शानदार बना है। चिकन लेग पीस तो ऐसा चिकन लगता है कि टक से भाई अच्छा ही बना है ना। तो टक से भाई बहुत अच्छा बना है चिकन कड़ी। देखो ये खा पी के अब थोड़ा सा जाएंगे उधर घूमने के लिए, खेत बागान की तरफ, उधर फील्ड की तरफ। और उधर भी गाड़ी जाकर यहाँ मौसम क्या है, अभी एकदम ठंडा होता है और कोई ठीक नहीं भाई, इधर बारिश हो जाए कब हो जाए। तो बिहार में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, और ठंड के दिनों में ठंड भी भाई बहुत ज़्यादा लगता है।